वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा बेस्ट फाइव का सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मौजूद होंगे एक सोशल वर्कर और राइटर भी हैं, बुक्स भी लिख चुके हैं और सोशल वर्क का उनका बहुत काम है, कुछ सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट में उनका बहुत काम है। और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहीम मुसवी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो आप हमें हमारे पोल का जो सवाल है उसका आंसर करेंगे, फिर हम इनसे जी थोड़ी सी आज की जो लेबर डे के हवाले से बात करते हैं। सर हमारे पोल का क्वेश्चन है कि एक मजबूर इंसान है, ठीक है, ही हैज़ नो अदर मीन्स, कोई और तरीका नहीं है उसके पास, बट उसको अपना घर चलाना है इन एक्सट्रीमली, मतलब इस कंडीशन में कि वो आपको किसी किडनी के हॉस्पिटल के बाहर मिलता है, व्हेन यू नीड अ किडनी टू गॉड फॉरबिड, तो वो आपके पास आके कहता है मुझसे मेरी किडनी खरीद लें, मैं आपको 50,000 में बेच दूंगा, आप ले लेंगे? नहीं, देखें पाकिस्तान में जो है कानून के तहत ऑर्गन्स की जो है ना इस तरह ख़रीद व फरोख्त जो है वो ममनू है, और ये जो है ना एक बड़ा एक गैर इंसानी एक्ट होगा कि हम जो है ना किसी को जो है मजबूर करें कि वो पैसे दे और उसको हम पैसे देकर और जो है उससे उसका कोई ऑर्गन ख़रीदें। सही, मेरा ख्याल है इस तरह ये एक गैर अखलाकी हरकत होगी। फिर क्या करेंगे उसका, वो तो बेचारा बहुत ही मजबूरी की हालत में कर, या तो उसने वो थोड़ा सा उस सिचुएशन में होगा जहाँ पे उसने अपने फ्रेंड से सुना होगा, एक प्रोफेशन की तरह एक चीज़ चलती आ रही थी, एक तो चीज़ वो थी, ठीक है, दूसरा या तो वो बहुत मजबूर कंडीशन, क्या करेंगे उसको? देखिए पाकिस्तान ये एक जो है ना एक मिथ बनी हुई है कि लोग मजबूर हैं और जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त जो है ना अज़ा की या अपने बच्चों की या अपने घर की और इस तरह करते हैं, तो इसका एक सबब जानने की भी ज़रूरत है कि वो लोग जो है ना इस तरह क्यों जो है ना ये एक्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है जो कमज़ोरी होती है उसकी खामी होती है उसकी अपनी ज़ात की भी होती है कि उसने अपनी ज़ात के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि वो इस हालत पर जो है ना पहुँचा है। और पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है ये मुल्क इतना ज़रख़ेज़ है और इतना खूबसूरत और इतना रिच है कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो सिर्फ जो है वो नाकारा लोगों के लिए है, निकम्मे लोगों के लिए, बाकी अगर लोग मेहनत करें तो ये मुल्क तो बहुत बड़ा अच्छा मुल्क है और यहाँ काफ़ी जो है ना कमाने के ज़राए हैं, लोग कमा सकते हैं। क्या कमाने के ज़राए सर? एक इंसान ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उस ही डजंट नो एनीथिंग, वो कुछ पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इतने जॉब्स हैं ही नहीं कि उसको मजदूरी की भी जॉब मिल जाए, तो वो क्या करे? नहीं, मजदूरी की जॉब जो है ना, उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है। हाँ, हेल्थ की बात और है लेकिन मजबूरी जो मजदूरी की आप बात कर रहे हैं, अगर हम जो है ना अपने घर के लिए जो है ना किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, हमको प्लम्बर नहीं मिलता, कारपेंटर के पास जाएं आपको कारपेंटर नहीं मिलेगा, अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएं आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर हमारे ज़राए जो है रोज़गार के बहुत ज़्यादा हैं, उसको तलाश करने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं कि इजी मनी की तरफ भागते हैं, वो रातों रात जो है ना अमीर बनने के चक्कर में होते हैं, इसलिए फिर वो गैरकानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अपने वसाइल से जो है अपने मसाइल को हल करने की तरबियत होनी चाहिए और ये शऊर होना चाहिए कि हम अपने मसाइल को अपने वसाइल से कैसे हल कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स जो है ना, जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। सही। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, जो आपकी माशाल्लाह ये बुक्स हैं जो अभी सर ने मुझे दी हैं, ये बुक्स किस हवाले से है, इंटरनेशनल वॉलंटियर, ये आपने किस हवाले से बुक्स लिखी हैं? सब समाजी आई थिंक उस पर है, मसाइल पे जी। एक किताब है ये रमूज़ रंदाना आपके हाथ में है, ये मेरे कॉलम्स शाया होते थे एक अखबार में, एक लीडिंग न्यूज़पेपर था उसमें, तो ये उसका जो है ना उर्दू तर्जुमा है जो लोगों ने किया है और ये जो है ना मतलब ये लोगों ने किया है। हाँ, मतलब जिसने भी जो है ना मतलब ये किया वो उसको मतलब उन्होंने जो है ना वॉलंटियरली जो है ना अपने आप को कंट्रीब्यूट किया कि वो इसके इसका तर्जुमा करे, तो इसमें जो है ना जो सोशल इशूज़ थे हमने ये देखा कि 85 के बाद मुल्क में समाजी तंजीमियों की अहमियत जो है ना बढ़ती जा रही थी, लोग जो है ना एनजीओस की बात करने लगे थे, और एक जो है ना ये भी था कि ये शायद एनजीओस जो हैं ये मगरबी मुल्कों की पैदावार हैं कि वो यहाँ पर जो है ना, लेकिन हमने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हमको पता पड़ा कि एनजीओस का टर्म तो जो है वो अभी आया है लेकिन समाजी हैसियत में इस खत्ते में लोग जो है अपने समाजी मसाइल को कलेक्टिवली जो है ना हल करने के लिए उनकी समाजी तंजीमें पहले से मौजूद थीं।
जैसे मोहल्ला तंजीमें होती थीं, जैसे जो है ना मस्जिद तंजीमें होती थीं, जैसे हमारे जो है ना जरगा सिस्टम होते थे और इस तरह की चीज़ें जो है ना पहले से मौजूद थीं कि अगर किसी एक के ऊपर कोई वक्त आता था, कोई एक मसला होता था तो लोग कलेक्टिवली अपने इलाकों को, अपने मोहल्ले को, अपने इसको जो है ना वो करते थे। तो ये, और फिर हमें जो है ना, जो आपके पास दूसरी किताब है हूज़ हु ऑफ वॉलंटियर्स इन सिंध, उसमें फिर हमने जो है ना आगे जो है ना ये बात जो है ना इस तरह देखी कि एक दिन होता है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे, वो 5 दिसंबर को हर साल जो है मनाया जाता है। उसमें हमने जो है ना ये तलाश किया कि हमें ये था कि शायद पाकिस्तान के बाद हमारे पास वॉलंटियर्स जो है ना पैदा हुए हैं। वॉलंटियर्स जो है ना, ये अमूमन जो है ना एक मिथ थी कि भाई पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना, तो हमने जो है सिंध में तलाश किया तो हमें पता पड़ा कि नहीं जी, ये वॉलंटियरिज्म तो हमारी गली गली में मौजूद है और इतने बड़े बड़े वॉलंटियर्स मौजूद हैं कि आप ये देखें कि सिंध में हम जिस शहर में गए हमें एक बहुत बड़ा नाम मिला। और तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उनके कारनामों को जिंदा करने के लिए उनको एक किताबी शक्ल दी जाए। तो इस तरह से ये एक किताब जो है ना, इसको हम हर साल जो है ना अपडेट करते आ रहे हैं। तो ये 8वीं या 9वीं किताब है जो इस साल जो है ना मतलब ये शाया हो रही है, तो इसको हर साल हम इस तरह शाया करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो मतलब आप इस तरह से सोशल वर्क के अंदर आपको कहते हैं। अच्छा, अब मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में स्पेशली जानना है कि आपको क्या लगता है कि हम लोग को लेबर डे जो है वो किस तरह ऑब्जर्व करना चाहिए, छुट्टी मना कर? नहीं, देखें, लेबर डे जो है इसका एक ख़ास मकसद है। 1886 में शिकागो से इसको जो है ना इब्तिदा होती है। अमूमन जो है ना मतलब ये जिसको जो है ना मनाते हैं कि भाई 1886 में, इससे पहले अमेरिका के मज़दूरों की हालत जो है ना बहुत ख़राब थी, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो है काम करते थे, और उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए जो ना आगे बढ़े और बेहतर जो है उजरत के लिए उन्होंने जो है ना वो लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें वो लोग जो है ना मारे भी गए। इब्तदाई तौर पर 5 लोग और उसके बाद 11 लोगों की मौत हुई, और उससे जो ना वो एक उसको याद करने के लिए। और ये जो आप देखते हैं ना, मज़दूर अमूमन जो है ना झंडा लेकर, लाल झंडा होता है, सुर्ख झंडा होता है, वो लेकर जो है ना वो चलते हैं कि भाई मज़दूरों को, कि जो अमूमन झंडे आपने देखोगे सुर्ख होंगे, तो वो कहते हैं कि जो एक जो है ना वो मज़दूर मारा गया था, किसी ने अपनी शर्ट उतार कर उसके खून में जो है ना वो डुबोई थी और वो झंडा बन गया, वो अलामत आज तक जो है ना, खून की अलामत वो झंडा जो है ना, मतलब वो जो है ना, और मज़दूर लेकर जो है ना वो घूमते। लेकिन हम जो है ना, देखें, हमारे मज़हब ने मज़दूरों को जो है ना पहले ही जो है ना पहले दिन से जो है ना वो राइट्स दिए। 1400-1500 साल पहले जो है ना इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने हमको ये बता दिया कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो जो है ना। तो ये हमें जो है ना मतलब वो उसको भी वो देखना है। लेकिन चले, इंटरनेशनल सीनरियो में हम 1 मई को जो है ना मनाते हैं कि 1 मई को जो है ना इस तरह से जो ना ये हुआ था। लेकिन अब मज़दूरों की हालत सूरत हाल क्या है, आप पाकिस्तान बनने के बाद देखें, पाकिस्तान बनने के बाद मज़दूरों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लोग जो है ना उनको कोई सर्विस का प्रोटेक्शन नहीं था, उनको सही उजरत नहीं मिलती थी। तो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने आकर जो है ना एक शऊर जो है ना मज़दूरों में दिया कि उन्होंने मज़दूरों को लेबर ऑर्डिनेंस भी लाए, सनातों को कौम आया, उनको जो है ना प्रोटेक्शन दिया, बड़ी बड़ी मिलें लगाईं और उसमें जो, लेकिन उसके बाद फिर जो है दौर जो है ना जब मार्शल ला के उसमें चला गया, तो जो आमिर आता है वो हमेशा जो है ना गरीबों को, मज़दूरों को कुचलने की कोशिश करता है। और उन्होंने जो है ना फिर उस दिन उन मज़दूरों को जिनकी नौकरियां पक्की थीं, उनकी जो है ना उनको जो है ना डी नेशनलाइज मिलों को करना शुरू किया। डी नेशनलाइजेशन के नतीजे में क्या हुआ कि हज़ारों मज़दूर जो है वो बेरोज़गार होते गए, और एक जो है ना वो ये निकला कि दूसरा जो है ना इन्होंने ठेकेदारी सिस्टम शुरू किया। आपने हालिया देखा होगा कि बड़े बड़े बैंक जो प्रॉफिट देते थे उनको जो है ना उन्होंने निजी शोबे के हवाले किया। अब वहाँ पर वही मुलाजमीन, जो मुलाजमीन उस में काम करते थे, पक्के मुलाजमीन थे जिनको जो है ना सर्विस का प्रोटेक्शन था, आज वो ठेकेदारों के अंडर में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और आज भी जो है ना, आज सूरत हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि देखिए, इंसान के काम करने की बसात कितनी होती है, कितनी उसकी जो हिम्मत है कि वो सारा दिन में काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा। लेकिन आप ये देखिए
कि मजदूर जो काम करते हैं, एक नॉर्मल जो एक वर्किंग आवर्स होते हैं एक इंसान के, वो क्या होने चाहिए एवरीडे के हिसाब से? देखिए एवरीडे जो जो जिसमें लोग कंफर्टेबल फील करते हैं वो 8 घंटे हैं, जिसमें जो है ना, हाँ वो कहते हैं एक हफ्ते में 48 आवर्स आपके वर्किंग आवर्स होने चाहिए, बाकी आवर्स आपके योर ओन आवर्स होने चाहिए। उसमें अब देखें 8 घंटे को भी अगर हम लें और उसको अगर सही तरह से जो ना 1 घंटा जो है ना उसको जो ब्रेक मिलता है सही, अगर वो भी मिल जाए तो मजदूर उसकी इंसान की सेहत, उनके सोचने का अंदाज, जो मजदूर वहां पर काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम इस पे और बात करेंगे, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।